आज मैं जिस मिनरल की बात करने जा रही हूँ, आपको पता है वो आपके शरीर के अंदर 300 चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एज पर अमेरिकन रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन शेली, एवरी नोन इलनेस इज एसोसिएटेड विद मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। दुनिया की हर बीमारी के पीछे मैग्नीशियम है, गाइज, कैन यू इमेजिन? एंड दिस इज अ मिसिंग लिंक टू मैनी मैनी डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियों के पीछे ठीक होने का कारण मैग्नीशियम हो सकता है। यह आपकी बॉडी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 300 बायोकेमिकल्स में हेल्प करता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी क्यों होती है आपके शरीर में? पहला कारण है, हो सकता है आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की मेडिसिन खाते हो, इससे मैग्नीशियम डिप्लीट होता है। अगर आपको बार बार यूरिनेशन आती है, बाथरूम आता है, कुछ लोग बहुत गलत तरीके से बताते हैं कि पलक आपको दिन में 10 ग्लास पानी पीना है, 15 ग्लास पानी पीना है। मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ, इतना पानी मत पियो, 7 से 8 ग्लास काफ़ी है, क्योंकि वो आपके मिनरल्स को, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट करता है आपके यूरिन में। दूसरा कारण है मैग्नीशियम की कमी का कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लीकी गट हो चुका है। लीकी गट हम सबको है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं शरीर के अंदर, ठीक है, जिसका पहला साइन आपको दिखेगा आपके बालों पे, आपकी स्किन पे, आपके डार्क सर्कल्स पे। जितने भी आपके ब्यूटी फीचर्स हैं, अगर वो अफेक्टेड हैं, इसका मतलब विटामिंस, मिनरल्स और प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद कुएं का पानी, स्प्रिंग वाटर, लोग पहले ये पीते थे। जो पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज हैं, उनका मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर हो जाता है। और लास्ट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम को हिंडर करती है, वो है अल्कोहल डिपेंडेंसी। जो लोग रोज शराब पीते हैं, देखना उनको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। आप मैग्नीशियम का कोई टेस्ट नहीं करवा सकते हो। ऐसे ही इस बार इंडिया में मजाक में मैंने एक लैब वाले को चैलेंज किया। मैंने कहा मैंने आज तक कभी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। उसने कहा मैम मैं करके रहूँगा आपका ब्लड टेस्ट। मैंने कहा कर ले बेटा। एंड उन्होंने देखा मेरा विटामिन B12 1800 आया, और उसने मुझे कहा मैम विटामिन B12 की गोली मत खाना। उसके सामने मैंने गोली खाई, क्योंकि गाइस सेम मैग्नीशियम आपके सेल्स के अंदर होता है, आपके हार्ट के अंदर होता है, और 25% मैग्नीशियम होता है आपकी बोन्स के अंदर। क्या आपके बोन्स के अंदर से उन्होंने सैंपल लिया था? नहीं। इसी तरीके से विटामिन B12 आपके लिवर के अंदर होता है, क्या उन्होंने लिवर का एक टुकड़ा निकाला था? नहीं। अगर आपको सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ओके। उसके बाद मैग्नीशियम, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, एक चीज ये चीज समझो गाइस, मेनोपॉज के बाद एक औरत का शरीर जीना नहीं चाहता है, वो बहुत डिक्लाइन करता है, ठीक है। सिर्फ एक ह्यूमन स्पीशी है, औरत ही जो जिंदा रहती है, बाकी मेनोपॉज के बाद हर स्पीशी की डेथ हो जाती है। बट ह्यूमन बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा चेंज है डिक्लाइनिंग बोन डेंसिटी। एंड मैग्नीशियम 25% आपकी बोन्स में पाया जाता है। अगर आपको बहुत थकावट रहती है, मैग्नीशियम इज वन। एंड देन नंबर 4th इज टाइप 2 डायबिटीज। जो लोगों को डायबिटीज हो चुकी है या जो लोगों को डायबिटीज का रिस्क है, अगर उनको सिर्फ 100 मिलीग्राम मैग्नीशियम पर डे दी, तो उनका 22% चांस डायबिटीज होने का कम हो जाता है, ओके। एंड देन हाई ब्लड प्रेशर। मैग्नीशियम का क्या काम है? रिलैक्स करना। तो आपकी आर्टरीज, ब्लड प्रेशर क्यों होता है? जैसे आप पानी की पाइप लो, उसको आप पिंच कर दो तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, वो पिंच हो जाती है, उसके अंदर प्लैक जमने लगता है। और मैग्नीशियम क्या करता है? आपके सेल्स को रिलैक्स करता है, तो आपके ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है। 2008 में 2.5 लाख पार्टिसिपेंट्स ने स्टडी करी, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को मैग्नीशियम दिया और उनका स्ट्रोक रेट 80% कम हुआ। स्ट्रोक रेट, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये 80% कम हुआ। देन एंग्जाइटी, क्योंकि जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है वो आपकी बॉडी से गाबा डिप्लीट करती है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपको बहुत काम रखता है। एंड कुछ औरतें होती हैं या कुछ आदमी होते हैं, उन लोगों से स्ट्रेस नहीं झेला जाता है। हमें ऐसा लगता है किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। लाइफ में कुछ बड़ी से बड़ी चीज हो गई, क्या फर्क पड़ता है गाइस। मैं हमेशा कहती हूँ, स्ट्रेस आपको नहीं होता है, स्ट्रेस आप लेते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड गाबा।
जो कि उसको सिंथेसाइज करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, क्यों मैग्नीशियम कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती है? कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जब आपका स्टूल है वो पड़ा पड़ा हार्ड हो जाता है किसी कारण के, आप बाथरूम टाइम से नहीं जाते हो या कोई भी आपके जो आपकी एनल बैक्टीरियल कॉलोनी है वो खराब हो गई है या फाइबर कम खा रहे हो या फाइबर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो मेरा जो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट है उसके अंदर दो सॉल्ट्स हैं, एक है बाइग्लाइसिनेट। जो बाइग्लाइसिनेट है वो इन सब चीजों में हेल्प करता है, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, फटीग, ऑस्टियोपोरोसिस, बट वो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प नहीं करता है। कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट मैं आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ज्यादा गोली किसी को दो तो उसको पॉटी लग जाती है, जिसको डायरिया कहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी से पानी ड्रॉ करके आपकी इंटेस्टाइंस की तरफ भेजता है और आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है। उसके बाद इंसोम्निया, अगर आपको रात को नींद नहीं आती, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने पालक खानी है रात को खाओ, हाई इन मैग्नीशियम। अगर आपको रात को सीड्स खाने, नट्स खाने हैं, मॉर्निंग के टाइम एलमंड्स खाओ, रात के टाइम कैश्यूज खाओ, बिकॉज कैश्यूज आर वेरी हाई इन मैग्नीशियम। एंड आई एक्चुअली टेक हैंडफुल ऑफ कैश्यूज समटाइम्स बिफोर स्लीपिंग बिकॉज इट इज वेरी वेरी हाई इन। अगर आपके बच्चे रात को पैर मारते हैं, जिसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, गिव देम मैग्नीशियम बाथ, इट इज सो सो इम्पॉर्टेंट। डू शेयर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट दिवाली, होली, राखी, buy and give someone life supplements, ठीक है? किसी को ये गिफ्ट दो, मिठाइयाँ, ये सब का जमाना क्या?